कंटेंट्स हैं आज के, नजर आ रहे हैं ना आपको? अच्छा हाँ जी मैम, विजिबल हूँ। चलें ठीक है। ओके सो अगेन अनाउंसमेंट्स हैं कुछ, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट डिटरमिनेंट। हम आज एक्चुअली बात करेंगे, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि हम आइगन वेक्टर्स को जो है वो बेसिस के तौर पे जो है वो मतलब आइगन वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं अंडर सर्टन कंडीशंस। अंडर सर्टन कंडीशंस तो दे आर ऑर्थोगोनल ऑल्सो, सो इट मीन्स वी कैन फॉर्म द बेसिस विद देम ऑल्सो। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट कि आइगन बेसिस जो हैं वो हमारे पास कैसे आ रहे होते हैं, और प्लस ये कि हम आइगन बेसिस में ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को जो है वो किसी भी जो है बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस से आइगन बेसिस में जाना चाहें, या जो बेसिस हमारे पास मौजूद हैं उससे आइगन बेसिस में जाना चाहें तो हम कैसे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दैट। फिर हम वी विल टॉक अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम ये देखेंगे कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सॉल्विंग इक्वेशंस, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट सिस्टम जो है उसकी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल सी के हम इसमें से कितना कवर कर पाते हैं। अच्छा अनाउंसमेंट में देयर इज़ वन थिंग न्यू कि आप लोगों का नेक्स्ट ट्यूजडे को जो है वो क्विज़ होगा। पहले मैं आज पॉपअप क्विज रखना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे हुआ कि आई एम नॉट श्योर कि आज आजकल वैसे भी धरना पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, कि इंटरनेट के मसले ना हो लोगों के। तो नेक्स्ट भी ट्यूसडे को होगा 5 to 5:30, और इसकी जो है वो कंटेंट्स जो भी हम इस वीक में कवर करेंगे वो हम उसमें शामिल करेंगे। ओके सो वी विल जस्ट डू ब्रीफ एक्चुअली रीकैप। बेसिकली डिटर्मिनेंट के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहती बिकॉज वी हैव टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट, के डिटर्मिनेंट के थ्रू जो है नाउ एक्चुअली वी नो द इंट्यूशन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट के जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो तो इन्वर्टेबल नहीं होता। तो वट वी नो वी वी सॉ के क्यों नहीं इन्वर्टेबल होता, बिकॉज ऑफ द रीजन के हमारे पास जो है वो कुछ वैक्टर्स होते हैं जो नल स्पेस में चले जाते हैं, एंड दिस देयर इज नो वे कि हम उनको दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। और उसके अलावा जो है वी ऑल्सो के जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू जो है वो हमें ये बता रही होती है कि जो भी हमारा वेक्टर स्पेस है उसका एरिया जो है मतलब वो कितना एक्सपैंड होगा या कितना श्रिंक होगा विद रिस्पेक्ट टू एरिया या वॉल्यूम, जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा होता है उससे हमें पता चल रहा होता है। सो डिटर्मिनेंट इज इम्पॉर्टेंट इन मैनी सेंस। अच्छा यहाँ पर जो है वी विल टॉक अबाउट के हाउ डू वी चेंज फ्रॉम वन बेसिस वैक्टर टू अनदर बेसिस वैक्टर, फ्रॉम वन बेसिस सेट टू अनदर बेसिस सेट, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं कि वी कैन हैव मोर देन वन बेसिस सेट फॉर द सेम वैक्टर स्पेसिस। जिस तरह हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात करते हैं उसके बाद जो है वो वी टॉक अबाउट सम अदर बेसिस वैक्टर ऑल्सो, तो हम उसकी बात करके देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड से अगर किसी और बेसिस वैक्टर में जाना चाहें या वहाँ से वापस आना चाहें तो वट शुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि उसको करने का ऐसा फायदा क्या हो सकता है इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बेसिस टू अनदर बेसिस। इसके लिए जो है लेट्स डू एन एग्जांपल जिसके थ्रू हम ये करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। ओके सो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की ही हम बात करते हैं, एंड वी हैव दिस वेक्टर स्पेस जिसमें हमारे पास ये जो है यूनिट वेक्टर आई हम इसको कह देते हैं, और यहाँ पर वी हैव दिस यूनिट वेक्टर जे। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास देयर इज अ मैट्रिक्स ए विच इज़ डिफाइनिंग अ न्यू सेट ऑफ बेसिस वेक्टर फॉर दिस वेक्टर स्पेस। ठीक है सो इसका मतलब है कि अच्छा अब ये जाहिर है कि ये एक्स और वाई एक्सेस, एक्स और वाई एक्सेस कह लें या बस जो भी हमारे पास जो है वो दो एक्सेस है। अच्छा अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ न्यू न्यू बेसिस सेट को, तो इसका मतलब क्या है कि ये विद रेफरेंस टू दिस, यानी अब जाहिर है कि अगर मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ तो आई विल हैव टू प्लॉट इट विद रेफरेंस टू जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है, क्योंकि मुझे जो कोऑर्डिनेट है मिले हैं वो उसके हिसाब से मिले हुए हैं ना, जो आई और जे है। तो इसमें जो पहला वेक्टर हो जाएगा इट विल बी 2 and 1, सो इट मीन्स के इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि बेसिस वेक्टर अगर ये है तो दिस विल बिकम द वन लाइन जो कि आपके पास जिसको आप एक्सेस कह सकते हैं। ठीक है और दूसरा क्या हो जाएगा -1 और 1, -1 और 1 विल बी समथिंग विच विल बी पासिंग लाइक दिस। ठीक है और लेट्स कॉल इट आई प्राइम एंड जे प्राइम। ठीक है और आई प्राइम, सॉरी
सॉरी आई प्राइम जी आई प्राइम एंड जे प्राइम हम इसको कह देते हैं ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज के आई एम गिवन अ वेक्टर, लेट्स सपोज के आई हैव अ वेक्टर एक्स प्राइम इसको मैं कह देती हूँ विच इज़ गिवन बाय 2 and 1 ठीक है इन विद रेफरेंस 2 and 1। अच्छा ये अब ये है 2 and 1 विद रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू आई प्राइम आई प्राइम एंड जे प्राइम ठीक है। पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये आई प्राइम और जे प्राइम के हिसाब से ये मेरे पास वो है वेक्टर है तो ये प्लॉट कैसे होगा, कहाँ पर प्लॉट होगा, मतलब टू जो है वो मैं किसके रेफरेंस से लूँ, टू विद रिस्पेक्ट टू आई प्राइम और जे प्राइम क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि नाउ आई एम दिस इज़ माई वन डायमेंशन ठीक है। तो टू का क्या मतलब है कि वन और टू में यहाँ पर जो है वो आई एम अस्यूमिंग कि स्केल्स जो है वो सेम ही है लेकिन तो ये टू आ जाएगा विद ना देखें अब आई प्राइम और जे प्राइम का एक्स एक्सिस ये है यानी वी कैन से कि दिस इज एक्स प्राइम एक्सिस कह लें और इसको वाई प्राइम एक्सिस कह लें ठीक है। जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास जो बेसिस या स्टैंडर्ड बेसिस था उसका एक्स एंड वाई जो है वो ये वाले एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर मैं प्लॉट करना चाह रही हूँ विद रेफरेंस टू यानी दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि कोई वेक्टर स्पेस है और हम उसको एक स्पेसिफिक एंगल से देख रहे हैं और देर इज समवन एल्स हु इज लुकिंग एट द वेक्टर स्पेस एट अ डिफरेंट एंगल्स। या अगर आप देखें तो ओवरऑल इट इज़ सम हाउ कि हमने इस पूरे के पूरे जो हमारा जो सिस्टम था उसको हमने सम हाउ टिल्ट सा कर दिया है कि हमारे पास बेसिस वेक्टर डिफरेंट हो गए बट दे आर स्टिल बेसिस वेक्टर बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट and they will be spanning the whole two-dimensional vector space. अच्छा तो अब इसको अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो टू और वन का क्या मतलब है, टू यहाँ से आ जाएगा और वन यहाँ पर आ जाएगा सो इट विल बी सम पॉइंट हेयर कि अगर ये वैक्टर अगर मैं प्लॉट करती हूँ तो दिस विल बी दिस वैक्टर ये वाला वैक्टर जो है सॉरी। अच्छा द क्वेश्चन इज के उप्स नाउ द क्वेश्चन इज के अब वट विल बी what will be the coordinates of x prime with respect to I and j ji any idea कि अब ये मुझे जो नया बेसिस सेट था उसमें मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है सो व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड बेसिस वेक्टर बेसिस सेट यानी ये जो एक्स और वाई है इसके हिसाब से क्या हो रहा होगा अगर मैं इसके हिसाब से इसको करने की कोशिश करूं। ये मुझे नज़र तो आ रहा है कि समहाउ इट सीम्स के मेरे पास जो एक्स और वाई हैं उनमें जो है वो इसका ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस जो है ये थोड़ा सा मैंने गलत बनाया हुआ है इसका इक्वल डिस्टेंस जो है वो बनता है बट द पॉइंट इसके ये पॉइंट निकलेगा कैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई जी ओके सो इन ऑर्डर टू फाइंड सो इफ़ यू हैव अ बेसिस वेक्टर जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ठीक है एंड यू वांट टू कम बैक टू द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर इन दैट केस व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज कि अब मेरे पास अगर फर्स्ट करें कि मैं ये कह देती हूँ कि एक्स इज़ द पॉइंट विद रेफरेंस टू माय स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट बेसिस वेक्टर तो फॉर दिस पर्टिकुलर वेक्टर ठीक है तो दिस विल बी इक्वल टू ए टाइम एक्स इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जी इनवर्स हम करते हैं अगर हम अपने स्टैंडर्ड बेसिस से किसी दूसरे में जाना चाह रहे हैं ठीक है। यहाँ आई एम ट्राइंग टू कम बैक फ्रॉम द अदर बेसिस वैक्टर टू द स्टैंडर्ड बेसिस वैक्टर ठीक है यानी दोनों देखिए दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं ना वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही होती हैं ठीक है। ये जाहिर है कि हर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस विद रेफरेंस टू द
आइगन डिकम्पोजिशन ऑल्सो. तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि इफ़ यू जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर है वहाँ से अगर आपने जाना है ना, अगेन वो वाला जो स्लाइड है हम दोबारा उसको देखेंगे, तो वी हैव एक्चुअली पॉइंटेड दिस आउट ऑल्सो कि अगर आपने जो है वो आई जे वाला जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से दूसरे बेसिस वेक्टर में जाना है आई प्राइम एंड जे प्राइम, देन इन दैट केस यू विल हैव टू मल्टीप्लाई, यानी फर्ज करें कि एक्स से आपने एक्स प्राइम पे जाना है तो एक्स प्राइम वुड बी इक्वल टू ए इनवर्स टाइम एक्स. ठीक है, और अभी जो है अगर मैंने एक्स से एक्स प्राइम से एक्स में आना है वापस आना है तो उस केस में जो है वो, एंड इसको आप जो है ना वो वेरीफाई करके प्रूव करके देख भी सकते हैं. सो मतलब अब एक्स विल कम आउट टू बी ए एक्स प्राइम मीन्स इट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स टू वन, और लेट मी जस्ट राइट जिस तरह हम स्टैंडर्ड लिखते हैं, टू वन माइनस वन वन, और इसको फिर मैं टू और वन से मल्टीप्लाई करती हूँ, या दिस इज एक्चुअली स्केलिंग ऑफ द फर्स्ट कॉलम बाय टू एंड द सेकेंड कॉलम बाय वन, एंड दिस विल कम आउट टू बी थ्री एंड थ्री. ठीक है, और ये अगर आप इसको कंप्यूट करके अगर सही तरीके से इसको प्लॉट करेंगे तो यू विल सी के दिस विल बी दिस पॉइंट वुड बी थ्री एंड थ्री विद रेफरेंस टू आर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर. सो व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज के वी कैन मूव फ्रॉम वन बेसिस वेक्टर टू अनदर बेसिस वेक्टर. अच्छा, इसमें जो है वो कुछ थोड़ी सी स्लाइड में थोड़ी सी गलती है, वो इस तरह से कि ये आई प्राइम वाले में होना चाहिए था, नॉट इन आई आई एन जे, एंड देन फ्रॉम देयर आर बेसिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड बेसिस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, एंड देन इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम स्टैंडर्ड बेसिस टू द अदर बेसिस तो फिर हम उसका जो है वो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब इसका इसका मतलब ये है कि नाउ वी नो कि हमारे पास जो है वो अगर बेसिस वेक्टर मौजूद है तो हम उससे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और हम आगे जो है आइगन बेसिस की बात करेंगे कि आइगन अगर डिकम्पोजिशन की हुई है तो आइगन बेसिस में कैसे जा सकते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली ईजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए जो है वो बेसिस वैक्टर था, अगर ए जो है इसके अंदर ए जो था वो हमारे पास सेट ऑफ बेसिस वैक्टर था, तो अगर हमारे पास ए के अंदर जो आइगन वैक्टर्स होंगे तो जाहिर है कि अगर ए से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसका मतलब है कि आइगन बेसिस में होगी. नाउ द क्वेश्चन इज वाई डू वी थिंक के आइगन बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजफुल, सो वी विल एक्चुअली लुक इन टू इट जस्ट ब्रीफली बाई जस्ट लुकिंग एट वन थ्योरम जिसको सिल्वेस्टर्स थ्योरम कहते हैं कि हाउ द थिंग्स बिकम ईजियर इफ़ यू आर वर्किंग इन आइगन बेसिस, और उसके बाद हम आगे भी देखेंगे कि आइगन वैल्यूज जो हैं या वो किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं. अच्छा, सिल्वेस्टर्स थ्योरम क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी हैव अ सिमेट्रिक ए, ठीक है, वी हैव बीन एक्चुअली वर्किंग विद सिमेट्रिक ए, अभी जो हमने पूरा का पूरा आइगन डिकम्पोजिशन की बात की है तो हमने सिमेट्रिक की बेसिकली स्क्वायर और सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात की है, तो एनीवे इफ वी कैन राइट अ सिमेट्रिक ए विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है, विच मीन, अच्छा अब ये देखें ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने लास्ट टाइम प्रूव की थी कि इफ़ यू हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इसका मतलब है कि आपके पास अगर एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो एन इन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स होंगे. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस में जो है वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, तो इन दैट केस वी नो, अच्छा ये वाला जो डिकम्पोजिशन है वी सॉ कि डायगोनलाइजेशन जब हम करते हैं तो बेसिकली वी राइट इट एज वी सम लैम्डा एंड वी इनवर्स, ठीक है, इस फॉर्म में. तो इफ वी हैव ऑल आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्लस ऑर्थोगोनल, ठीक है, विच मीन्स कि आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, एंड डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थी. ठीक है, इन दोनों के इस केस में जो है हमने ये चीज़ प्रूव की है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और डिस्टिंक्ट हाँ आइगन वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो जब ऑर्थोगोनल हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वी इनवर्स विल बी इक्वल टू वी ट्रांसपोज, या इन दैट केस हमारे पास जो ये डायगोनलाइजेशन है इट एक्चुअली रिड्यूसेस टू दिस थिंग विच इज़ समथिंग वेरी इजी टू कंप्यूट बिकॉज वी ट्रांसपोज हमने लेना है, वी इनवर्स नहीं लेना. अच्छा, अब यहाँ पर जो है वी आर एक्चुअली जस्ट राइटिंग दिस प्रोडक्ट इन अनदर फॉर्म, ये हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने
ये जो डेल्टा है मैट्रिक्स, इसको हमने सॉरी नॉट डेल्टा, लैम्डा जो मैट्रिक्स है इस डायगनल मैट्रिक्स, उसको इस तरह से ओपन करके लिख दिया डायगनल के फॉर्म में, और वी वन और वी वन ट्रांसपोज जो हमारे पास वो हैं मैट्रिसेस हैं, उनको हमने वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है. एंड नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम इस डायगनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद दीज वेक्टर रो वेक्टर्स, तो हमारे पास क्या होगा कि वी विल हैव ईच रो वेक्टर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू. और इसी तरह से जो है जब हम कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली वी नो इज के अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस डायगनलाइजेशन इज टू राइट इट एज एन फ्रॉम वन टू एन लैम्डा एन वी एन एंड वी एन ट्रांसपोज. ठीक है, ओके. सिल्वेस्टर्स मैट्रिक्स थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक ए है, विच मीन्स सिमेट्रिक ए है और आइगन डिकम्पोजिशन है कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं और ये हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, तो उस केस में इफ वी अप्लाई अ फंक्शन ऑन द मैट्रिक्स ए, then this is equivalent to applying the function only on lambdas. Okay, so this is actually a very powerful theorem. Okay, what it is telling us is ke aapko tamam ke tamam yani a ke upar function perform karne ka matlab hai ki you are performing only on the eigen values. Theek hai, as provided ke aapke paas symmetric a tha और आइगन वैल्यूज जो हैं उससे हमारे पास जो है वो ये मैट्रिक्स बन रहा है, आइगन मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो ऑपरेशन करेंगे, जो भी ऑपरेशन हमने करने होंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है मैंने ए स्क्वायर कंप्यूट करना है, ठीक है, एंड ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इन दैट केस अब वैसे अगर आप देखेंगे अगर फर्स्ट करें एंड देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 3/3, 2/2 और 4/4 ए, जब आप इसकी बात कर रहे हैं इफ यू वांट टू कंप्यूट ए स्क्वायर इन रियल सेंस देन इट कैन बी 1000/1000 और मे बी 10,000/10,000, million/million, आपके पास जो है इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का डेटा सेट ले रहे हैं, लेकिन ये कि यू कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो इसका मतलब है कि ए कैन बी अ वेरी लार्ज मैट्रिक्स. तो अगर आप ए का स्क्वायर करना चाहते हैं, क्यूब करना चाहते हैं, या ए का जो है वो किसी भी पावर तक करना चाहते हैं, तो इट वुड बिकम कंप्यूटेशनली वेरी वेरी एक्सपेंसिव अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें. और एक्सपेंसिव के अलावा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहे होंगे. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि अगर मैंने जो ए है इसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई किया है, जो फंक्शन अप्लाई किया है, दिस इज जस्ट स्क्वेयरिंग ऑफ ए, देन इट इज इक्वल टू just squaring all lambdas. ठीक है, या in other words अगर मैं इसको फिर matrix की form में लिखना चाहूंगी तो this is actually equal to ये जो मेरे पास lambda था. So ओके, और इसके बारे में हम अगेन आगे जाके जो जब आइगन डिकम्पोजिशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है. सिमिलरली अगर ए इनवर्स कंप्यूट करना है, यू हैव सीन कि ए इनवर्स कंप्यूट करना बहुत मुश्किल काम है, अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास मे बी 2/2 का मैट्रिक्स हो या 3/3 का मैट्रिक्स हो, उससे आगे जाके जो है वो हम बहुत ज़्यादा ए इनवर्स कंप्यूट करने में जो है वो हो जाते हैं, स्टक हो सकते हैं. ठीक है, बट इन दिस केस बाय यूजिंग द सिल्वेस्टर्स थ्योरम व्हाट वी सी इज के ए इनवर्स कंप्यूट करने के लिए अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज के यू जस्ट नीड टू टेक द इनवर्स ऑफ द आइगन वैल्यूज, विच मींस के ये मेरे पास आ जाएगा 1/λn vn and vn transpose, या इन अदर वर्ड्स जो मेरे पास मैंने वी मैट्रिक्स है और लैम्डा जो है इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है,
एंड देन वी ट्रांसपोज करना है, तो इसका मतलब है ए इनवर्स मेरे पास आ जाएगा. और इसी तरह से जो है वो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मैंने दो ही ऑपरेशन जो लिखे हैं, बिकॉज दीज आर द ऑपरेशन विच मे बी यूजिंग. लेकिन ये कि देर आर अदर ऑपरेशन ऑल्सो कि जिसमें आप ए के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो बाई यूजिंग द इफ ए इज डायगनलाइजेबल कि उसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं इस तरह से आइगन वैक्टर एंड आइगन वैल्यूज के फॉर्म में, देन इन दैट केस एनी फंक्शन दैट यू आर परफॉर्मिंग ऑन ए हैज जस्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैल्यूज ऑफ द मेट्रिक्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गो इन आइगन बेसिस. ठीक है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, तो सो व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि अब हमें देखें आइगन बेसिस जो है, आइगन वैक्टर्स क्या हैं, दे आर जस्ट वैक्टर्स, और अगर उनके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑर्थोगनल हैं तो दे कैन फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल आइगन बेसिस, और इवन अगर ऑर्थोगनल नहीं भी हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इट मीन्स के दे आर फॉर्मिंग आइगन बेसिस. तो इन ऑर्डर टू गो टू द आइगन बेसिस व्हाट वी हैव टू डू इज कि सबसे पहले तो आपने जो है वो बेसिस मैट्रिक्स बनाना है. ठीक है, वो मैट्रिक्स फॉर्म करना है. लेट्स सपोज कि हमारे पास टू डायमेंशनल हम आइगन बेसिस की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपने क्या करना है कि अगर मतलब लेट्स सपोज कि यू स्टार्टेड विद अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स और उसके आपने आइगन वेक्टर्स निकाल लिए हैं बाय डूइंग द प्रोसेस जो कि हम पहले देख चुके हैं, और उसके बाद वो पहले आइगन वैल्यूज निकाल लिए हैं, वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स. तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स हैं तो इसका मतलब है दे कैन फॉर्म अ बेसिस. तो इसको हमने जो है वो एक मेट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, एंड देन दिस मेट्रिक्स इज आर न्यू आइगन बेसिस का मेट्रिक्स है. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, टू टेक अ मेट्रिक्स into eigen basis, actually to take not a matrix, to take a vector into eigen basis, multiply it with V inverse. So if Y is a vector in a standard basis, then it will be V inverse Y in the eigen basis. ओके, सो सो व्हाट डज इट मीन कि जब हम इसको डायगनलाइज कर रहे हैं ना, बेसिकली V लैम्डा एंड V इनवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए के साथ एक्स को अप्लाई करना चाहती हूँ, तो व्हाट आई जस्ट नीड टू डू इज कि आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माय एक्स जो मेरा स्टैंडर्ड बेसिस में था, उसको मैंने पहले मैं यानी ये जब मैंने वी इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो नाउ दिस इज इन आइगन बेसिस. ठीक है, और उसके बाद क्या किया है, आइगन बेसिस के बाद हमने उसको सिर्फ आइगन वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया है. और आपको आपने देखा है कि अगर आपके पास कोई भी डायगनल मैट्रिक्स है, तो उसको जब हम सेट ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वी इनवर्स ऑफ एक्स अगर हम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे एक्चुअली हमारे पास एक वैक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो इसका बिकॉज मैट्रिक्स और वेक्टर है, तो इसको इससे हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा. लेट सपोज कि दिस वेक्टर जो है ये हम इसको एक्स इसको हम वेक्टर वाई कह देते हैं. ठीक है, सो दिस इज वाई वन वाई टू से लेकर वाई एन तक वेक्टर है हमारे पास. तो जो हमारे पास एंड में वेक्टर आएगा, दैट विल बी लेमडा वन वाई वन लेमडा टू वाई टू एंड सो फोर्थ लेमडा एन वाई एन. या इन अदर वर्ड व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप एक दफा आइगन बेसिस में चले गए, आइगन बेसिस में जाने के बाद यू आर स्केलिंग ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ योर वेक्टर इन द आइगन बेसिस बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो आइगन वैल्यूज की भी हमें जो है वो समझ आई है इम्पोर्टेंस के. बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एप्लीकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग that vector to eigenbasis, doing just stretching or compression of different components of that vector based upon ke eigenvalues kya hain, and then jab ye hamare paas ho jata hai multiply hone ke baad, then at the end hum v se multiply kar rahe hain, which means ke we are coming back to our standard eigen स्टैंडर्ड बेसिस जहाँ से हम चले थे. सो और इसमें जो है एक चीज़ और, अगर हमारे पास हमें ये पता है कि इन एडिशन टू बीइंग इन लीनियरली इंडिपेंडेंट दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगनल आल्सो, तो इन दैट केस हमारे पास ये प्रोसेसिंग और आसान हो जाती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ वी इनवर्स के बजाय इट विल बिकम वी ट्रांसपोज. सो इट मीन्स के आपको वी इनवर्स कंप्यूट करने के लिए भी कोई कंप्यूटेशनल पावर नहीं लगानी पड़ी. आप वी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लैम्डा
लैम्डा का ऑपरेशन करवाते हैं एंड देन वी से करके दोबारा वापस आ जाते हैं अपने वेक्टर स्पेस में. सो एंड देन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है बेस्ड अपॉन जो हमने पीछे सिल्वेस्टर थ्योरम देखा है कि आपके पास लेट सपोज कि यू आर आस्क के आपने वाई, जिस तरह हम कंप्यूट करते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो विच मीन्स कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स y है. तो ए इनवर्स y के बजाय से कि आप ए इनवर्स कंप्यूट करें, व्हाट यू कैन डू इज आपके पास अगर a जो था वो आइगन डिकम्पोजिशन है आपके पास एंड देन यू नो द के जो आइगन जो a है दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद डिस्टेंट आइगन वैल्यूज, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं विच मीन्स कि यू आर टेकिंग इट इन टू द आइगन बेसिस doing some stretching, compression, everything, and then coming back to the standard basis. Another thing is कि अब ये हाँ और देखें ये जो चीज़ है अब a inverse है, so इसका मतलब यहाँ पे minus one आ जाएगा lambda raised to the power हाँ जी lambda raised to the power minus one आ जाएगा. तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो a inverse के लिए जो आपने पूरे का पूरा process करना था लंबा चौड़ा compute करने के लिए a inverse, वो आपको करने की अब ज़रूरत नहीं है. You can just work with अगर आपके पास आइगन वेक्टर्स आइगन बेसिस मौजूद है तो आपने जस्ट स्ट्रेच या कंप्रेस करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, आपने पूरा ए इनवर्स से जो है वो उस वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करना. ठीक है, यहाँ एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है जो कि हम पहले भी इसको जो है वो नोट कर चुके हैं कि हमारे पास देयर हैज़ टू बी एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू टू फॉर्म एन डायमेंशनल बेसिस सेट. तो इसका क्या मतलब है कि अगर फर्ज करें कि ए जो था वो हमारे पास एन बाई एन था लेकिन उसके जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं वो सिर्फ टू आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इट कैन फॉर्म द आइगन बेसिस फॉर जस्ट टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. हम इसको एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं कह सकते, बट द थिंग इज के जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं वो कोई ना कोई जो है वो बेसिस वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और ये एडवांटेज जो है वो हमने देख लिया है अभी कि यही एडवांटेज है कि सबसे पहले कि आपने लीनियरली जब ट्रांसफॉर्म करना है किसी मैट्रिक्स से तो यू जस्ट नीड टू चेंज द बेसिस एंड देन डू सम स्केलिंग आइगन बेसिस में जाने के बाद. ठीक है, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन बाय ए मींस टेकिंग द वेक्टर एक्स टू आइगन बेसिस स्केलिंग इट बाय आइगन वैल्यू एंड देन टेकिंग इट बैक टू एक्चुअल बेसिस, दैट्स इट. ठीक है, ओके. और एग्जांपल इसकी जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो पीछे हमने एग्जांपल की थी यहाँ पर. सो वी एक्चुअली सॉ अगर वी कैन अस्यूम कि दिस इज एक्चुअली द आइगन बेसिस जो ए हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि व्हाट वी डिड वाज के इस केस में हमने ये देखा था कि हाउ कैन वी गो फ्रॉम आइगन बेसिस टू बैक टू द स्टैंडर्ड बेसिस. अच्छा जी, लेट्स सी व्हाट इज हाँ जी, ये वही वाली चीज़ है जो अगेन हमें हम देख चुके हैं एंड देन अगेन दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर ये सिमेट्रिक भी है इन एडिशन टू बीइंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, यानी स्क्वायर और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन अगर सिमेट्रिक भी है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रांसपोज हो जाता है, तो दिस थिंग्स बिकम्स मच मोर ईजियर एंड दीज आर एक्चुअली जस्ट आइगन डिकम्पोजिशन के बारे में सर्टन फैक्ट्स हैं कि आइगन वैल्यूज के अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो दे कम आउट टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ एक एक पर. तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक भी आइगन वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, विच मीन्स के इन दैट केस व्हाट वी नो इज के योर सिस्टम इज मतलब उसके डायमेंशन जो है वो हमेशा रिड्यूस हो गया, जितने डायमेंशन से चले थे वो डायमेंशन उतनी नहीं रही हैं. अच्छा, एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो ट्रेस ऑफ ए से आ रहा दे रहा होता है हमें एंड देन ए इज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, दिस इज अफेक्ट जो कि हम बाद में भी यूज करेंगे कि ए सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है अगर तमाम की तमाम आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो. ओके, अच्छा, नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास बेसिकली लेट सपोज कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विच इज अ रोटेशन ऑफ मे बी 90 डिग्रीज इन आर स्टैंडर्ड बेसिस. So in that case, what would we do in order to do this function in eigenbasis, let's suppose. ठीक है, so let's see के हम क्या कर सकते हैं. okay.
तो यहाँ पे जो मेरे पास, जी लेट्स सपोज कि हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है का मैट्रिक्स है जो रोटेशन करवाता है, दैट इज इक्वल टू 0 1 एंड -1 0, ठीक है, एंड दिस इज एन स्टैंडर्ड बेसिस. सो वी वॉन्ट टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन सम अदर बेसिस, और मे बी लेट्स से क्या आइगन बेसिस पे हम करना चाहते हैं, डिफरेंट बेसिस सेट पे करना चाहते हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शुड बी डूइंग? सबसे पहले यानी आप रोटेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू हैव अ वेक्टर एक्स, तो आप रोटेट करने का क्या मतलब है कि यू आर एक्चुअली अप्लाइंग दिस वेक्टर, मल्टीप्लाई करेंगे ना आप इस मैट्रिक्स के उस वेक्टर को. अब हमने जब किसी और आइगन बेसिस में जाना है या किसी भी और बेसिस में जाना है फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेसिस, पहला स्टेप हमने क्या करना है. अब देखिए, देर इज नो डायरेक्ट वे टू अप्लाई अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमारे स्टैंडर्ड बेसिस सेट में है, उसको हम डायरेक्टली किसी और बेसिस सेट में कर सकें. करना क्या होगा हमें कि जो वेक्टर है, लेट्स सपोज के यानी व्हाट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरा हमारा जो है वो ये स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, जिसमें ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, एंड देन देयर इज अनदर बेसिस सेट जो कि हमने अभी जिस तरह से बनाया अभी था कि ये बेसिस सेट बना हुआ है. अब मेरे पास जो है वो एक पॉइंट है एक्स विच इज हेयर, ठीक है, कि जो कि नए बेसिस सेट के हिसाब से मुझे गिवन है पॉइंट, और जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ए, दैट इज विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड बेसिस सेट, कि वो जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस सेट में एक्स वाई जो कुछ भी मेरे पास वेक्टर्स हैं कोऑर्डिनेट, मुझे अगर स्टैंडर्ड के पता है तो मैं उसको रोटेट कर सकती हूँ बाय 90 डिग्रीज बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. सो इन ऑर्डर टू डू द सेम ट्रांसफॉर्मेशन इन द अदर बेसिस वेक्टर बेसिस सेट जो कि ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है, व्हाट वी नीड टू डू इज एक्चुअली कि सबसे पहले जो है ना वो हमें जो भी वेक्टर है, लेट्स सपोज कि इस वेक्टर के ऊपर करना है, पहले मुझे इस वेक्टर को लेके जाना होगा इन द स्टैंडर्ड बेसिस सेट, ठीक है, विच मीन्स अच्छा स्टैंडर्ड बेसिस सेट में लेके जाने के लिए मैं क्या करूँ, अभी हमने किया था, ठीक है, कि इफ़ यू हैव अ वेक्टर एक्स हैट या एक्स प्राइम और इसको जो है इन लेट सपोज कि दिस इज इन आइगन बेसिस, इन आइगन बेसिस बेसिस, और हम इसको कह देते हैं कि टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं ना, तो लेट्स कॉल दिस बेसिस वी विच इज इक्वल टू लेट सपोज कि वही वाला बेसिस वेक्टर ले लेते हैं जो कि हमने पिछले एग्जांपल लिया था 2 1 -1 एंड 1, ठीक है. सो आइगन बेसिस में जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स, एंड लेट सपोज कि दिस एक्स प्राइम इज एक्चुअली -1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रीन बेसिस वेक्टर, ग्रीन बेसिस जो है ना, ठीक है, तो एक्स प्राइम इज -1 एंड 2, ठीक है, और इसके ऊपर अब मैं ट्रांस, और मतलब देखें बात ये है कि ये चीज़ जो मौजूद है तो ये तो अब मेरा बेसिस वेक्टर है या दूसरा बेसिस वेक्टर है, इट डजेंट मैटर, इट इज पार्ट ऑफ द वेक्टर स्पेस, तो ये मौजूद तो दोनों में है. बट द थिंग इज कि जब मैं कह रही हूँ ना कि अदर बेसिस वेक्टर में है, तो इसका मतलब है कि मुझे कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है ना वो विद रिस्पेक्ट टू दीज ग्रीन लाइंस मौजूद में गिवन है, ठीक है, कि ये जो ग्रीन एक्सेस है ये वाला और ये वाला, तो इसके हिसाब से जो है वो मेरे पास, इसका मतलब है कि -1 और 2 का मतलब है कि ये यहाँ होगा -1 और 2 वुड बी समवेयर हेयर, तो ये यहाँ पर जो है ये वेक्टर मौजूद है, ठीक है. अब हमारे अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या बनता है ये वेक्टर, दैट वी वुड नो इफ वी मल्टीप्लाई इट विद दिस वेक्टर, दिस मैट्रिक्स वी. हमने ये पीछे देखा था कि आप किसी भी वेक्टर को जो है वो अगर मैट्रिक्स जो जिस आप वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, सॉरी दिस बेसिस वेक्टर सेट की बात कर रहे हैं, उस बेसिस सेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द कोऑर्डिनेट्स इन योर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर. तो इसका क्या मतलब है, लेट मी गो बैक, कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद बेसिस वेक्टर इन अदर बेसिस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज द बेसिस वेक्टर विच इज इन द अदर बेसिस सेट,
एंड देन ट्रांसलेट टू आवर्स. आवर्स जो मैं यहाँ पे हमेशा लिख रही हूँ दैट इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड बेसिस जो कि हमें समझ में आता है कि जिसमें हम हमेशा काम करते हैं. तो ट्रांसलेट टू आवर्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय बेसिस वेक्टर मैट्रिक्स. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर मेरे पास एक लेट सपोज कि मेरे पास एक वाई है या वाई नहीं करते हम एक्स प्राइम ही कर देते हैं. ठीक है. एक्स प्राइम है ठीक है इन आई प्राइम एंड जे प्राइम कोऑर्डिनेट्स में और उसको उसके ऊपर मैं रोटेशन का ऑपरेशन करना चाहती हूँ. तो सबसे पहले मैंने क्या करना है आई हैव टू गो फ्रॉम एक्स प्राइम टू एक्स. ठीक है. वेयर एक्स इज इन आई एंड जे इज इन स्टैंडर्ड. तो और उसका तरीका क्या है कि मैं एक्स को मल्टीप्लाई एक्स मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग एक्स प्राइम बाय वी वेयर वी इज द V is actually the matrix of the basis vector of the other basis other जो भी हमने coordinate system define किया हुआ. ठीक है. अब क्या करूँगी now because I want to apply this transformation on x prime. तो अब now I will perform this transformation on this. So I will do this. ठीक है. एंड देन मगर ये क्या मुझे वेक्टर क्या चाहिए वेक्टर तो फर्स्ट मुझे तो वेक्टर फर्स्ट करें कि मैं ये कहती हूँ कि y प्राइम इज एक्चुअली ए एक्स प्राइम. ठीक है. तो अब मुझे डायरेक्टली जो है ना वो ये चीज कंप्यूट में नहीं कर सकती. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस x प्राइम टू अ वेक्टर इन स्टैंडर्ड बेसिस. वहां पे मैंने a अप्लाई किया एंड देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए in order to go back to that vector space क्या होना चाहिए कौन बताएगा जी कौन कौन है जी फैसल जी आप मुझे बताएंगे कि ये जो मेरे पास अब चीज आ गई है इसका मतलब what we are doing is के हम okay हमारे पास जो था वो आइगन बेसिस है लेट मी जस्ट राइट इट आइगन बेसिस है और स्टैंडर्ड बेसिस है. वेक्टर मेरे पास आइगन बेसिस में मौजूद है और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मेरी स्टैंडर्ड बेसिस की है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं आइगन बेसिस से स्टैंडर्ड बेसिस में गई हूँ. यहाँ मैंने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अब मुझे आंसर तो आइगन बेसिस में चाहिए ना तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. अच्छा यहाँ पर ना आई शुड राइट के v को अप्लाई करवाया. ठीक है. यहाँ पर जो है फिर जो भी आंसर मेरे पास आया था उसको भी a अप्लाई करवाया. अब मैं क्या अप्लाई करवाऊँ कौन बताएगा जी मैम इसके इनवर्स लेंगे इनवर्स. ओके वेरी गुड. सो इसका क्या मतलब है कि अब मैं v इनवर्स अप्लाई करवा दूँ. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो है वो हाँ ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वी इनवर्स या अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल था तो वी ट्रांसपोज अप्लाई कर पा दूँ. सो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा कि वाई प्राइम वुड बी इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए वी टाइम्स x प्राइम. ठीक है. ये देखें पूरा का पूरा प्रोसेस है. ये जो ये वाला काम जो था वो हमें बेसिस स्टैंडर्ड में लेके गया था. इसने हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था और ये जो चीज़ है आखिरी वाली इसने दोबारा से जो है वो आइगन बेसिस में वापस लेके गया है. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि अगर हमने तो इसका क्या मतलब है अब मुझे यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि बेसिकली ये जो तीन ये जो चीज है दिस थिंग इज एक्चुअली डिफाइनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी अदर बेसिस जो कि वी से डिफाइन हुआ हुआ है. ठीक है. बिकॉज हमने जो ये स्टेप बाय स्टेप करके देखा कि हमारे पास ए में था सॉरी स्टैंडर्ड बेसिस में था लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस में हमें स्टैंडर्ड डायरेक्टली आइगन में नहीं करना आ रहा था तो फिर हम पहले स्टैंडर्ड में गए वहाँ हमने जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और फिर दोबारा हम उसमें आ गए. तो लेकिन अब इसको अगर आप देखते हैं
if you remember, जब हमने diagonalization की थी, we said के a जो है, this is equal to v delta v transpose. And then अगर मैं इसमें जो है वो हमारे पास basically क्या equation आई थी वहाँ पर, जो main equation हमारे पास आई थी वो आई थी a v equal to v lambda, ये आई थी. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं v ट्रांसपोज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगाती हूँ, तो राइट हैंड साइड पे लगाती हूँ, अप्लाई करवाती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि v v ट्रांसपोर्ट आए के इक्वल आ जाएगा, एक बार ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था और मेरे पास ये आ जाता है जो यही है वाला है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं फर्ज करें कि v ट्रांसपोज ऑन द लेफ्ट लगाती हूँ, अप्लाई करवाती हूँ, तो इट विल कम आउट टू बी v ट्रांसपोज v लैम्डा एंड देन दिस इज i. If v transpose equal to v, so in other words, मेरे पास क्या होता है, this lambda is equal to v transpose a v. So in other words, what we are saying is कि अगर आपने एक कोई भी आपके पास जो है ये linear transformation given है in a standard basis और आपको ये कहा गया है कि आपने उसको किसी eigen basis में जाके जो है वो करना है, उसको बताना है कि उसका result क्या आएगा, तो you just need to multiply that vector by lambda, यानी eigen values का जो हमारे पास matrix आ रहा है उससे हम सिर्फ multiply कर देंगे, because this matrix is v ट्रांसपोज ए वी या v इनवर्स ए वी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो है वो सिमेट्रिक के साथ, सिमेट्रिक भी हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के साथ या ये कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. ठीक है, ये हम बार बार रिपीट करते रहे, तो उस केस में जो है, लेकिन इन एनी केस हमने जो लैम्डा हमारा मैट्रिक्स है हम सिर्फ उससे अगर मल्टीप्लाई करवा दें जो भी हमारे पास वेक्टर है इन द अदर बेसिस वेक्टर, मतलब बेसिस सेट यानी आइगन बेसिस सेट में, तो उससे जो है वो हमें ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट मिल जाता है जो कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर बेसिस सेट. सो दिस इज एक्चुअली, दीज आर जस्ट सर्टन एग्जाम्पल्स टू शो कि आप कैसे जो है वो डिफरेंट बेसिस में ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट बेसिस, हम जो है बचपन से नहीं, हम बहुत, लेकिन बहुत शुरू से जो है ये बात करते आ रहे हैं कि वी कैन हैव मोर देन बस वन बेसिस वेक्टर फॉर द सेम वेक्टर स्पेसेस. ठीक है, वो जो नोशन हमारा जो है वो स्कूल और कॉलेज लेवल का लीनियर अलजेब्रा का था कि स्टैंडर्ड बेसिस है और उसको लेकर ही हम सारा कुछ कर रहे हैं, नाउ वी नो कि दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू. We can have different type of basis factors based upon के आप जो है वो किस तरह का operation कर रहे हैं, और फिर आप एक basis से दूसरे basis में transform भी कर सकते हैं, and then एक basis का जो पे जो भी आप operation perform करवा रहे हैं vectors पे, वही आप दूसरे basis पे भी जाके करवा सकते हैं, provided के आपके पास जो है वो eigen decomposition आप कर सकते हो, जो भी matrix जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको eigen decomposition के साथ कर सकते हो. तो फिर और eigen basis में जाके, अभी तो हमने दो examples देखी हैं कि हम मतलब किस तरह से square ले सकते हैं आसानी से, कि बजाय इसके कि आप पूरा a square करें, आप सिंपली लैम्डा स्क्वायर करते हैं और फिर बस बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, या इनवर्स ले सकते हैं अगर आइगन डिकम्पोजिशन अगर हमें पता है. लेकिन जब आप लोग आगे जाके ना, आई एम नॉट श्योर कि हमें इस अभी तो मौका मिलता है कि नहीं, लेकिन जब आगे आप जाके पीसीए वगैरह करेंगे तो यू विल सी कि उसमें बेसिकली आइगन डिकम्पोजिशन करके जो डिफरेंट हमारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको हम डी कोरिलेट कर रहे होते हैं, मतलब उनकी कोरिलेशन को ख़त्म करवा रहे होते हैं, उसकी बेस पे हमें जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आसानी से हो जाती है. मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन कि आप जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस या जो भी बेसिस वेक्टर है उससे आप आइगन बेसिस में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर वहाँ पर जाके आप डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट जो है वी विल टॉक अबाउट, अब थोड़ा सा जो है वो इससे हम चेंज करेंगे, और एंड वी विल टॉक अबाउट कि हमारा जो है अगर हम सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, यानी वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी अभी हमने जितनी भी बात की है हमने ये कहा है कि ए एक्स इक्वल टू वाई को हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड वी हैव अस्यूम कि अभी फिलहाल का जो हमारा जो सोल्यूशन है कि ए इज सिमेट्रिक. ठीक है, तो नाउ वी विल सी के जस्ट ए मिनट, ये मुझे लगता है अब तो
जी नाउ वी विल सी कि हमारे पास जो है वो अगर ये सिस्टम है और इसको हमने सॉल्व करना हो तो व्हाट हाउ वुड वी नो कि व्हाट इज द मैक्सिमम नॉइज इन द सिस्टम. और क्योंकि देखिए ये जो हमने ए एक्स इक्वल टू वी वाली जो एग्जाम्पल दी हुई है, मतलब जो हम सिस्टम की बात करते हैं, दिस इज द केस फॉर आइडियल सिचुएशन कि हम ये कह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा, वाई हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो यूनिकली पॉसिबल है. लेकिन वी हैव सीन दिस थिंग के हमारे पास हमेशा दिस थिंग इज नॉट ट्रू, कि देयर इज ऑलवेज सम एरर जो कि आ रहा होता है और हम अप्रोक्सीमेट जो है वो सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं. तो बेसिकली नाउ व्हाट वी वांट टू एक्चुअली सॉल्व इज टू सी कि जो एरर है सिस्टम में वो किस चीज़ से बाउंडेड होगा, यानी मैक्सिमम एरर कितना जा सकता है, मिनिमम एरर कितना जा सकता है. एंड देन अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम एरर पता है कि कितना जा सकता है, तो हम कैसे उसको ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उन एरर्स को लिमिट कर सकें. ठीक है, और इसमें अगेन आइगन डिकम्पोजिशन जो है वो यूज़ हम कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू सी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली डिसाइड करवा रही होती हैं कि हाउ द एरर कैन बट कैन बी द मैक्सिमम एरर, व्हाट कैन बी द मिनिमम एरर, एंड हाउ आर दोज एरर, हाउ कैन दोज एरर बी कंट्रोल्ड अगर हम उसको जो है वो करना चाह रहे हो, सॉल्व करना चाह रहे हैं सिस्टम को जो है. तो उसके लिए जो है बिफोर वी गो टू द सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट इक्वेशंस, जिसमें हम ये कोशिश करें फाइंड आउट करने की कि नॉइस के बगैर या नॉइस के साथ जो है हमारे पास सिस्टम जब सॉल्व हो रहा है तो उसमें डिपेंडेंसी किस चीज़ के ऊपर है. वी विल एक्चुअली जस्ट टॉक अबाउट टू थ्योरम्स, मैं इसको प्रूव नहीं करूँगी, लेकिन वी विल जस्ट सी कि क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है उस उन आगे जो भी हमारा नॉइस जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको उसको वो करने के लिए सॉल्व करने के लिए. तो हम यहाँ पर जो है हम सिर्फ डिफाइन करेंगे चीज़ों को, और व्हाट वी आर डिफाइनिंग इट कि लेट ए बी एन एन बाय एन मेट्रिक्स एंड इट इज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट. ठीक है, अब सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट जो है ना, उससे एक तो चीज़ हमें क्या पता चल जाती है, अभी पिछले एक दो स्लाइड में मैंने देखा था कि सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट अगर मेट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि ऑल द आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, आपके पास जो है वो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होती हैं हमेशा सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मेट्रिक्स के केस में. सो वी आर एक्चुअली सेइंग कि लेट्स लेट ए इज अ सिमेट्रिक, और देन सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मेट्रिसेस के बाद हम इसलिए एक्चुअली कर रहे हैं क्योंकि अगर ए जो है वो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है तो वी हैव सीन दिस थिंग कि उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा. सो व्हाट वी आर सेइंग इज के लेट्स से कि हमारे पास जो है वो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद देयर कैन बी सब नॉइज अवेलेबल बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट नॉइज एक्चुअली हो सकती है. मतलब एक तो नॉइज वो है ना जो अप्रोक्सीमेशन नॉइज है जिनकी हम पहले बात करते रहे हैं कि आप जो है आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आपने जो उसको कहीं अप्रोक्सीमेट किया है उसकी वजह से जो है नॉइज आ रहा है. लेकिन ये कि देयर कैन बी मेजरमेंट नॉइज ऑल्सो कि आपने जो है वो किसी सिस्टम के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हम MRI इमेजेस कर रहे हैं तो MRI इमेजेस जो हैं उसमें जब आप इतनी बड़ी सी मशीन के अंदर आपने रखा हुआ है जो भी पेशेंट को जो है वो मशीन के अंदर स्कैन कर रहे हैं, तो उस केस में जो है वो जो मशीन की अपनी ऑपरेशन की वजह से देर कैन बी सम मेजरमेंट नॉइजेस. और ठीक है, और हमें जब पता होता है तो डेफिनेटली हम उनको मतलब कम करने की कोशिश कर सकते हैं, रेक्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, बट देर इज़ नो वे टू एलिमिनेट दोज नॉइजेस. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज कि अगर वो नॉइजेस मौजूद हैं तो उस केस में व्हाट इज दैट थिंग जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, और उस कंट्रोल को हम यूज़ करते हुए कैसे नॉइज को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो एनीवे ये जो थ्योरम यहाँ पे डेफिनेशन है वो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हमारे पास ए जो है वो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मेट्रिक्स है एंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज इज लैम्डा वन. अच्छा, एक चीज़ और जो है जो कि मेरा ख्याल है मैंने शायद पहले मेंशन नहीं की कि इन जनरल जब भी हम ये लैम्डा मैट्रिक्स लिखते हैं, और इसमें हमने देखा है कि दिस इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स जो कि लैम्डा वन से लेकर लैम्डा एन तक इसकी वैल्यूज होती हैं, दीज
आर ऑलवेज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, लैम्डा वन इज ग्रेटर देन लैम्डा टू विच इज ग्रेटर देन लैम्डा थ्री एंड सो फोर्थ हमारे पास जो है वो, ऑफ सॉरी हाँ ठीक है सही, ठीक है. सो लैम्डा वन इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द लैम्डा एन इज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है. ये और ये अगर आप उसमें मैटलैब में भी करेंगे ना, और उसमें अगर आप आइगन डिकम्पोजिशन करके और किसी भी मेट्रिक्स की और उसके बाद आइगन वैल्यूज के मेट्रिक्स को देखते हैं, तो यू विल सी के इन दैट केस ऑल्सो योर लैम्डाज आर अरेंज इन दिस मैनर, कि आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द हाइएस्ट वैल्यू एंड देन अरेंज इन द लोएस्ट वैल्यू. सो दिस इज एक्चुअली वट दिस इट इज सेइंग, कि अगर आपके पास जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है लैम्डा वन, दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, इट कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है. और वो फॉर्मूला क्या है कि आपके पास, लेट मी राइट इट समवेयर है, यानी जी फॉर्मूला जो है वो ये है कि हमारे पास व्हाट वी आर सेइंग इज के इफ वी फाइंड एन एक्स, ठीक है, मेरे पास अगर एक्स में फाइंड आउट करती हूँ बिलोंगिंग टू आर एन, ठीक है. अच्छा ये याद रखें कि आर एन और ए वॉज एन बाय एन, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एन जो है वो आइगन वैल्यूज है और एन ही आइगन वेक्टर्स भी हैं, ठीक है. तो व्हाट इट इज टेलिंग अस, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब है कि आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो, सो इसका मतलब है कि आपका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता, इन्वर्टेबल मेट्रिक्स हमारे पास मौजूद है. तो एनी वे दिस इज एक्चुअली दिस थियोरम इज टेलिंग अस के अगर हम एक्स ट्रांसपोज ए एक्स divided by magnitude of x square measure कर लें, या ये कि हम जो है maximum हम वो x find out करें belonging to R n and then we actually normalize this x also, जिसका मतलब है कि हम इसका norm जो है equal to 1 ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है हमारे पास x transpose a x, this gives us lambda 1, ठीक है. सो वट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास मैक्सिमम ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 1, वेयर ए इज द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 1. सो वट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास देयर विल बी वन वेक्टर एक्स, जिसको जब हम उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिस मैट्रिक्स का के हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो उस अगर हम वो वेक्टर फाइंड आउट कर लें कि जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वट एवर स्केलर वैल्यू वी आर गेटिंग इज एक्चुअली इक्वल टू द हाइएस्ट आइगन वैल्यूज. एंड सिमिलरली आपके पास अगर आप मिनिमम ले लेते हैं इसी चीज़ का, कि इफ यू टेक मिनिमम ऑफ एक्स, इसको ना प्रूफ करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आगे हम कुछ प्रूफ करेंगे उन्हीं लाइन्स पे जो है इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, बट हेयर आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस बिकॉज ऑफ द रीजन के बार बार हम नहीं करना चाहते प्रूफ. अच्छा तो ये जो चीज है सो वट वी आर सेइंग इज के मिनिमम ऑफ दिस एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है, कि आपके पास जो है वो और एंड ये जो दो एक्स हैं, एक्स ऊपर वाला और नीचे वाला, दे वोंट बी द सेम, ठीक है. दिस एक्चुअली दिस एक्स वुड बी दिस एक्स वुड बी इक्वल टू वी वन विच इज द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वन, एंड दिस एक्स विल बी वी एन कॉरस्पॉन्डिंग टू corresponding to the least eigen vector of the vectors जो भी हमारे पास matrix A आया या corresponding to lambda n. So what we are just saying कि हमारे पास ये वाला जो product है, this is giving us the maximum or the minimum eigen values of the matrix. Okay, now let's move to solving the system of symmetric positive definite
मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिस्टम में जो है वी विल अस्यूम द सेम थिंग जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं कि वी अस्यूम के हमारे पास जो सिस्टम है दिस इज़ इन दिस फॉर्म, ए एक्स इक्वल टू वाई की फॉर्म में है, ठीक है। एंड ए इज़ ए बिलोंग्स टू आर आन एन बाय एन, ठीक है। और बिकॉज अब आपके पास क्योंकि सिमेट्रिक ए है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सो आई डोंट नीड टू राइट अगेन, ठीक है। सिमेट्रिक ए है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों जो है वो एन डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। नाउ इन दिस केस वी वांट टू सॉल्व फॉर द एरर्स और नॉइज जो कि बीच में ऐड हो रही है, तो वी वांट टू सी के वो बाउंड जो एरर है नॉइज एरर होगा वो किस तरह से बाउंड हो रहा होगा। ओके, फर्स्ट जो केस है वी विल स्टार्ट, वी विल डिस्कस टू केसेस। एक हम केस वन लेते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जी द सिचुएशन इज आइडियल के नो नॉइज इज देयर, विच मीन्स के अब मैं अगर इसको सॉल्व करना चाह रही हूँ, मेरे पास जो है वो ए एक्स इक्वल टू वाई था, तो बिकॉज ए इज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट तो इसका मतलब है कि इन्वर्टेबल है, तो वाई विल बी इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी नहीं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ वाई, के इन्वर्टेबल है, सो इट मीन्स के आर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ वाई। अच्छा, अब एक्चुअली आई वांट टू फाइंड डिफरेंट, आप ये कह लें कि डिकम्पोजिशन है या जो भी आपके पास बाउंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ अगर इन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के थ्रू जो है हम उसको देखना चाहते हैं कि हाउ इज द आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज अफेक्टिंग डिफरेंट फैक्टर्स। तो इस केस में जो है व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट दिस इन टर्म्स ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो एंड वी नो डायगनलाइजेशन में वी नो कि मेरे पास जो है ए वुड बी इक्वल टू वी लैम्डा v ट्रांसपोज बिकॉज ऑफ द रीजन के मुझे जो है वो a जो है वो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, जिसका मतलब है कि सिमेट्रिक भी है और पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब है कि आपके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो इट मीन्स इन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। नाउ व्हाट विल बी a इनवर्स इन टर्म्स ऑफ दिस आइगन डिकम्पोजिशन, कौन बताएगा मुझे? जी ए इनवर्स क्या हो जाएगा, अभी हमने पीछे वो किया है, मैम ट्रांसपोज ले लेंगे इसका, मैम हम लैम्डास, मैम हाँ हाँ बोले, ओके सो किसका इनवर्स होगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा का, लैम्डा का, लैम्डा का, ओके वी ट्रांसपोज, ठीक है, वेरी गुड। सो इसका मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग वी ट्रांसपोज वाई, ठीक है। और लेट मी एक्चुअली ट्राई टू फर्दर डिकम्पोज इट, ठीक है। ये हमारे पास एन वेक्टर्स हैं, दिस इज लैम्डा इनवर्स का क्या मतलब है, वन ओवर लैम्डा वन। अब अच्छा, ये चीज़ भी आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि इफ़ यू हैव कोई भी डायगनल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स का मतलब ये है कि आप सिर्फ डायगनल के एलिमेंट्स को वन बाय मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे उनका, ठीक है। एंड देन दिस इज वी वन ट्रांसपोज वी टू ट्रांसपोज टिल वी एन ट्रांसपोज वाई, ठीक है, ओके। सो अब इसको अगर मैं फर्दर करती हूँ, लेट मी जस्ट, ये आई एम अस्यूमिंग कि ये ही है फिलहाल जो है ना मैं लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना, ठीक है। ये मेरे पास इसी तरह अगर लैम्डाज हैं, ये क्या बन जाएगा मेरे पास वी, अब ये देखें दीज आर रो वेक्टर्स, ट्रांसपोज अगर वी वन ट्रांसपोज है तो दिस इज रो वैक्टर, वाई इज कॉलम वैक्टर, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये वी वन ट्रांसपोज वाई आ जाएगा, वी टू ट्रांसपोज वाई आ जाएगा, एंड सो फोर्थ वी एन ट्रांसपोज वाई आ जाएगा, ओके okay? अच्छा, अब जो है अब लेट मी जस्ट गो टू दिस थिंग, अगर मैं इसको फिर लैम्डा वन के साथ
ये लैम्डा वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। ये पहला वाला जो है इसको मैंने इसी तरह रहने दिया। अब लैम्डा के साथ जब करेंगे, वी हैव अगेन सीन दिस अगेन, थोड़ा सा पहले हमने इसको देखा था कि जब आप इसके साथ कर रहे हैं तो एवरी, अगर ए, अब ये देखें वी वन ट्रांसपोज वाई क्या बन दे रहा होगा, मुझे वेक्टर दे रहा होगा या स्केलर दे रहा होगा। जी एनी वन? मैम स्केलर दे रहा है, स्केलर दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है दिस इज जस्ट अ वेक्टर। तो अगर मैं वेक्टर को एक डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, हमने अभी पीछे देखा है जब हम आइगन डिकम्पोजिशन, आइगन बेसिस की बात कर रहे थे, कि ईच एलिमेंट विल बी स्केल बाय द डायगोनल्स। सो इसका मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू वी वन ट्रांसपोज वाई वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा वन, वी टू ट्रांसपोज वाई divided by lambda 2 and so forth vn transpose y divided by lambda n, ठीक है। और अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया है कि हमने जो है वो इन इसको भी मल्टीप्लाई करना है, v1 v2 से लेकर vn तक हमने मल्टीप्लाई करना है। अगेन देखें दिस इज, अब नाउ दीज आर एक्चुअली कॉलम्स एंड दिस इज़ वन वैक्टर जो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, वी वन ट्रांसपोज वाई डिवाइडेड बाई लेमडा वन, वी टू ट्रांसपोज वाई डिवाइडेड बाई लेमडा टू एंड सो फोर्थ, वी एन ट्रांसपोज वाई डिवाइडेड बाई लेमडा एन। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट एक्चुअली वी वन v1 transpose y divided by lambda 1 plus, इसको करके देखिएगा ठीक है, plus v2 v2 transpose y divided by लैम्डा 2 या एंड देन सो एंड सो फोर्थ एंड टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। या ओवरऑल आई कैन राइट इट एज समेशन के फ्रॉम 1 टू एन 1 ओवर लैम्डा के वी के ट्रांसपोज वाई टाइम्स वी के, एंड वी के ट्रांसपोज वाई क्या है, इनर प्रोडक्ट है। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू के फ्रॉम वन टू एन वी के इनर प्रोडक्ट वाई मल्टीप्लाई बाई वी के एंड देन स्केल बाय वन बाय लैम्डा के। सो व्हाट डज इट मीन, कि अगर हमारे पास नॉइस नहीं है तो इन दैट केस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज के, ओके लेट मी गो बैक टू दिस स्लाइड, अगर हमारे पास नो नॉइस केस है तो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग इज के अगर हम x के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स ना, क्योंकि अननोन हम उसके लिए सॉल्व कर रहे थे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्केल द कंपोनेंट ऑफ वाई इन द डायरेक्शन ऑफ ईच आइगन वेक्टर। अगर आपको याद हो, अगर हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात करते थे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेसिस वेक्टर्स की बात करते थे, तो एक्स अगर हम इसका किसी भी बेसिस वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते थे तो इट वॉज एक्चुअली इक्वल टू द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेसिस वेक्टर पी के, ठीक है। तो यहां से भी अगेन हमें अब वाई वी के इज बेसिकली द बेसिस वेक्टर ना, बिकॉज दिस इज आइगन वेक्टर। तो वट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि आपके पास जो x को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि यू आर स्केलिंग द आइगन वैक्टर, आइगन वैक्टर ईच आइगन वैक्टर बाय
the direction of multiplying the each eigenvector by the component of phi in the direction of that particular vector and then scaling it by 1 over lambda k. So, agar aap har direction mein aapko eigenvector pata hai, which means ki basis vector pata hai, eigen decomposition agar aapko pata hai, to iska matlab ye hai ki aap wahan se directly again x compute kar sakte hain without you needing to have to compute the A inverse. आप हर मतलब ज़ाहिर है अगर आपको y vector पता था because हम चले कहाँ से थे हमें y vector तो हमने ये कहा हुआ है ना कि y is actually the observation vector measurement vector. तो y आपको पता है और उसके बाद आपको जो है वो v's भी पता है v matrix पता है which is the matrix of eigen vectors. तो अगर आपने जो है और lambda भी पता है because हमने जो है eigen values भी हमें पता है तो if you want to compute for s x, you don't need to compute A inverse, you just need to take each coordinate of this. उससे आपने इसको स्केल करना है और जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको डिवाइड करना है बाय द कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा, उससे आपको एक्स का वो कॉम्पोनेंट मिल जाएगा. एंड व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दैट तो आपको वहाँ से एक्स के तमाम कॉम्पोनेंट्स मिल जाएंगे. सो अगेन दिस इज अगेन अनदर दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन कि आप जो है वो सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं इन ऑर्डर व्हेन यू डोंट हैव एनी नॉइज इन द सिस्टम अवेलेबल. मेजरमेंट नॉइज कोई भी नहीं है तो उस केस में आप सिंपली जो है वो आइगन डिकम्पोजिशन अगर आपके पास है तो आप वहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बजाय इसके कि आप ए इनवर्स कंप्यूट करें. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इफ देयर इज नॉइज अवेलेबल व्हिच इज एक्चुअली द लास्ट टॉपिक जो कि हम करेंगे कि सेकेंड केस हम क्या कह रहे हैं कि देर इज अ मेजरमेंट एरर प्रेजेंट इन द सिस्टम. ठीक है, मेजरमेंट एरर जो है वो हम यही अस्यूम करते हैं कि ड्यू टू मेजरमेंट हमारे पास ये एरर आ रहा है, नॉट ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन जो कि हम पहले करते रहे. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन हमारे पास जो वाई है वो ए टाइम्स एक्स के इक्वल होना चाहिए था लेकिन वो ए टाइम्स एक्स प्लस ई के इक्वल आ रहा है. ठीक है, सो केस टू की हम बात करते हैं. केस टू विच मीन्स के वाई जो है वो नॉइजी केस है तो प्लस ई आ जाता है. ठीक है, अब इस केस में एंड ई जो है वो हम ऑब्जर्वेशन एरर कर रहे हैं विच मीन्स के हमने जो भी ऑब्जर्वेशन मिली है उसमें से है और हम है तो अननोन मगर ये कि दिस इज एन अगेन ये एन डायमेंशनल वेक्टर होगा बिकॉज ऑफ द रीज़न के हमारा पूरा सिस्टम जो है वो एन डायमेंशन में. ठीक है, अब पहले की तरह हम एक्स अब निकालते हैं. अब देखें इसमें वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमें एग्जैक्ट एक्स मिल रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीज़न के एरर यहाँ पे मौजूद है. तो लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं कि हम एक्स टिल्डा कंप्यूट कर रहे हैं. ठीक है, विच इज़ एक्चुअली द सोल्यूशन. तो दिस सोल्यूशन विल बी इक्वल टू बाय डेफिनेशन ए इनवर्स वाई के इक्वल होना चाहिए या इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ए एक्स प्लस ई वाई की जगह या इन अदर वर्ड्स ए इनवर्स ए एक्स प्लस ए इनवर्स ई के इक्वल आ जाएगा या ए इनवर्स ए जो है वो तो आई हो जाएगा तो एक्स प्लस ए इनवर्स ई के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ x tilde माइनस x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ e, विच मीन्स कि मेरे पास अब दिस इज द एरर ना बिकॉज दिस इज एक्चुअली दिस इज द कंप्यूटेशन जो कि हमने की है बेस्ड अपॉन दिस सिस्टम जो कि एरर वाला सिस्टम था एंड दिस इज एक्चुअल जो कि हमें मिलना चाहिए था बिकॉज दैट इज एक्चुअली व्हाट द इनपुट वॉज जिससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल रही थी. तो लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एरर है एंड नाउ व्हाट वी कैन सी इज के दिस एरर इज एक्चुअली इक्वल टू ए इनवर्स E, where A is the system, जिसमें से गुजर के आपका जो है वो इनपुट आपको ऑब्जर्वेशन Y दे रहा है. नाउ इस केस में we try to actually answer two questions. एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि what will be the maximum error जो कि इसमें हो सकता है एंड द अदर वन इज़ द मिनिमम एरर. हम एवरेज एरर की भी बात करना चाहते थे लेकिन वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट एवरेज एरर बिकॉज that actually depends upon the expected values और क्योंकि आप लोगों ने जो है वो stochastic processes और probability और random variables वगैरह नहीं पढ़े हुए तो इसलिए जो है वो हम
फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन सो लेट सपोज कि जो पहला हमारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट मेजरमेंट या आप ये हम ये कहना चाहते हैं कि व्हाट इज द इसको जो है ना बेसिकली व्हाट इज द लार्जेस्ट के बजाय व्हाट इज द अपर बाउंड ऑन द रिकंस्ट्रक्शन एरर। और रिकंस्ट्रक्शन एरर जो है वो हम किसको कह रहे हैं, ये जो एरर हमारे पास आ रहा है ए इनवर्स ई को कह रहे हैं, ठीक है। अब या इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास हमने इसको रखा है सम एप्साइलॉन, हमने ये डिफाइन कर दिया कि सम एप्साइलॉन एक्स हमने डिफाइन कर दिया है एक्स माइनस एक्स टिल्डा या एक्स टिल्डा माइनस एक्स कुछ भी कर दें इट डजेंट मैटर क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर ले रहे हैं या नॉर्म स्क्वायर ले रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू फाइंड इट कि ये जो नॉर्म है ए इनवर्स ई का जो नॉर्म है टू नॉर्म है अंडर व्हाट सिचुएशन वुड इट बी मैक्सिमम, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके लिए जो सिंपली देर इज एक्चुअली ओके लेट मी गो बैक टू द स्लाइड और हाँ जी तो अब जो है यहाँ से हम देख लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ओके तो इस केस में जो है व्हाट वी कैन सी इज कि आपके पास जो है दिस नॉर्म इज सिंपली इक्वल टू नॉर्म स्क्वायर सिंपली किस चीज के इक्वल है दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ई एंड देन इनर प्रोडक्ट विद ए इनवर्स ई बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। और हमें यह भी पता है कि अगर मेरे पास एक्स का नॉर्म है वाई के साथ तो आई कैन राइट इट एज एक्स ट्रांसपोज वाई, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आगे मैंने की हुई है और यहाँ से जो है वो मेरे पास अब जब मैंने ट्रांसपोज लिया है देन व्हाट इज हैपनिंग, सो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास अब एक्स ट्रांसपोज वाई के बजाय मेरे पास ए इनवर्स ई का मैंने नॉर्म लिया हुआ है ए इनवर्स ई के साथ, दिस विल बी इक्वल टू ए इनवर्स ई ट्रांसपोज ए इनवर्स ई, ठीक है। And then this will be equal to E transpose A inverse transpose A inverse E, ठीक है। And E is symmetric positive definite, तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास A inverse of T, A अगर symmetric positive definite है तो A inverse भी symmetric positive definite हो जाएगा, which means के A inverse transpose will be equal to A inverse, या in other words this will come out to be A minus 2 times E, ठीक है। और अब जो है मेरे पास नाउ आई वांट टू एक्चुअली सी कि मेरे पास जो है वो अगर मैं अगेन आइगन डीकम्पोजिशन जो है वो उसको यहाँ पे अप्लाई करवाती हूँ तो उस केस में जो है वो मेरे पास ये किस तरह से जो है वो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये मैक्सिमम बाउंड अपर बाउंड जो है या मैक्सिमम एरर जो है वो किस केस में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको जो है आइगन डिकम्पोजिशन अगर हम करेंगे अगेन जिस तरह हमने पीछे देखा है ए इनवर्स था यहाँ ए इनवर्स स्क्वायर है वो उसी तरह से होगा, वी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ मेरे पास जो है वो लैम्डा माइनस टू हो जाएगा एंड देन आई विल हैव वी ट्रांसपोज एंड ई, ठीक है। और इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ v transpose e lambda transpose lambda minus 2 v transpose e, ठीक है। और इसको जो है ना let me just call this as some alpha जिस तरह मैंने notes में लिखा हुआ है यहाँ पर, so this will come out to be alpha transpose lambda minus 2 times alpha, ठीक है। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ओके व्हाट आई हैव रिटन इज लेट मी राइट इट हियर, जो मेरे पास ये आ रहा है ए ई ए इनवर्स था, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर एंड तक पहुँचते पहुँचते इट केम आउट टू बी सम अल्फा ट्रांसपोज
लैम्डा माइनस टू अल्फा, ठीक है, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज के दिस वुड बी इक्वल टू, ठीक है, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, पहले तो ये बताएं कि मैक्सिमम आइगन वैल्यू इसकी क्या होगी, मैक्सिमम आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी. ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज कहाँ पर हैं, ए माइनस टू की आइगन वैल्यूज लैम्डा माइनस टू में है, और लैम्डा माइनस टू किस तरह से है, वन माइनस लैम्डा वन स्क्वायर, वन माइनस लैम्डा टू स्क्वायर. तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा होगा जी, एनी वन, मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा. लास्ट वाला होगा, ठीक है, बिकॉज वी एक्चुअली वी हैव एक्चुअली अस्यूम कि हमारे पास जो है ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में लैम्डाज है मौजूद, लैम्डा वन से लेकर लैम्डा एन तक डिक्रीजिंग वैल्यूज हैं. तो इसका मतलब है कि लैम्डा वन ओवर लैम्डा एन स्क्वायर वुड बी द लार्जेस्ट वन. सो इसका मतलब है कि व्हाट वी आर सेइंग इज के बेसिकली दिस इज बाउंडेड बाय स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम आइगन वैल्यूज, स्क्वायर एक्चुअली साथ आएगा, ठीक है. सो व्हाट दिस इज टेलिंग अस इज कि आपके पास, इसका मतलब है कि जितना आपके पास लैम्डा एन छोटा होगा उतना ही ये एरर ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए ये एरर जो है ना इसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये एरर जो है वो हमें मेजरमेंट की वजह से मिल रहा है, जो सिस्टम है उसकी वजह से आ रहा है. लेकिन वी हैव कंट्रोल ऑन दिस लैम्डा एन बिकॉज वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग, वी नो के व्हाट द सिस्टम ए इज, के आपके पास जो है वो सिस्टम जो हमने बनाया हुआ है. सो व्हाट वी एक्चुअली वॉन्ट टू डू इज मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम जो है वो जो सिस्टम है उसको इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि जो मिनिमम आइगन वैल्यू भी है ना वो बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, और इन केस इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन इन दैट केस हम बेसिकली आपने वो जो एसवीडी का क्वेश्चन मैंने आपको इस दफ़ा के उसमें दिया हुआ है, असाइनमेंट में दिया हुआ है, तो उसमें व्हाट यू विल सी इज के आप बेसिकली ना कुछ आइगन कुछ सिंगुलर वैल्यू की, खैर वहाँ पे बात करें हम आइगन वैल्यू की बात नहीं कर रहे, वी विल सी के सिंगुलर वैल्यूज जो हैं वो आइगन वैल्यूज से कैसे रिलेट करती है, बट द पॉइंट इज़ कि हम उस केस में क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू मौजूद होती है तो उस वैल्यू को हम सम हाउ ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, और हम उसके बगैर जो है वो काम कर रहे होते हैं, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन सी इज़ कि आपके पास जो नॉइज़ है मोस्टली दैट इज़ एक्चुअली अवेलेबल इनसाइड द लोएस्ट आइगन वैल्यूज़. तो अगर आप लोएस्ट आइगन वैल्यूज़ को आप देखेंगे अक्सर सिचुएशन में कि जब आप पेपर्स वगैरह पढ़ेंगे, लोगों के स्टडीज़ पढ़ेंगे, तो वो कहेंगे कि जी हमने इतनी आइगन वैल्यूज़ रखी, इतनी सिंगुलर वैल्यूज़ रखी और बाकियों को हमने ड्रॉप कर दिया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइज़. तो दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यूज होती हैं वो गवर्न कर रही हैं मैक्सिमम एरर को. ओके, ये तो चले मेरे पास, मैंने तो आंसर को एक्सप्लेन कर दिया. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये चीज इसके इक्वल आई कैसे, ठीक है, कि ये जो लैम्डा यहाँ पे जो हमने ये कह दिया है मैंने कि दिस शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस टू स्क्वायर टाइम्स एरर का मीन स्क्वायर, ठीक है, और जबकि हमने ये भी क्या कहा था कि जिस अल्फा वाज इक्वल टू व्हाट वी ट्रांसपोज ई. सो द क्वेश्चन इज के मेरे पास ये चीज कैसे आ रही होगी, लेट्स ट्राई टू डू दिस टुगेदर. मैं अल्फा ट्रांसपोज दिस इनटू अल्फा अगर लिखती हूँ, ओके, सो व्हाट इज दिस, एक्चुअली अल्फा को फिलहाल मैं अल्फा ही लिखती हूँ, ठीक है. तो अल्फा ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि आई हैव अ वेक्टर विच इज़ अल्फा वन अल्फा टू से लेकर अल्फा एन तक है,
ये रो वेक्टर है एंड देन आई हैव अ मैट्रिक्स वन ओवर लैम्डा वन स्क्वायर सो एंड सो फोर्थ वन ओवर लैम्डा एन स्क्वायर एंड आई हैव अनदर वेक्टर दिस. अब मुझे ना इसकी फाइनल फॉर्म आप लोग बताएं. अभी मैंने पीछे जो है ना हमने एक बिल्कुल इसी तरह की चीज़ की है. मुझे बताइए कि फाइनल जो आएगा इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो क्या बनेगा. ठीक है, लेट्स जस्ट टेक वन मिनट. पीछे वाला जो हमने किया है उसको देखें और मुझे बताइए कि ये क्या बन रहा होगा. ठीक है, शुड नॉट बी डिफिकल्ट. आपके आपका जो है वो हमने अभी देखा है कि अगर आपके पास जो है वो एक वेक्टर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है डायगनल से, तो फिर हर एलिमेंट वेक्टर का जो है वो डायगनल से स्केल हो रहा होगा और फिर आप दूसरे वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक रो वेक्टर है, एक कॉलम वेक्टर है, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा. ठीक है, ये मुझे जल्दी से करके बताइए. जी किसी से होगा. जी जी बोले. जी जी बिल्कुल. वन ओवर लैम्डा वन. ठीक है, पहले क्या आ जाएगा, वन ओवर लैम्डा वन स्क्वायर. इसके साथ क्या आएगा, अल्फा वन स्क्वायर, राइट. हाँ ठीक है, वो प्लस वन ओवर लैम्डा टू स्क्वायर अल्फा टू स्क्वायर, ठीक है. एंड देन सो एंड सो फोर्थ. अल्फा में बिकॉज स्क्वायर है तो इसलिए मैं नॉर्म लिख रही हूँ, अदरवाइज ना भी लिखूँ तो इट शुडंट मैटर बिकॉज पॉजिटिव ही वैल्यू हमारी पास आ रही होगी. एवरीवन एग्रीज विद दिस. ठीक है, बिकॉज हमने अभी किया है ना, जब हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमें मिल जाएगा अल्फा वन ओवर लैम्डा वन स्क्वायर, अल्फा टू ओवर लैम्डा टू स्क्वायर, अल्फा थ्री ओवर लैम्डा थ्री स्क्वायर एंड सो फोर्थ अल्फा एन ओवर लैम्डा एन स्क्वायर. और जब हम इसको फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अल्फा वन इंटू अल्फा वन ओवर लैम्डा वन स्क्वायर. तो अल्फा वन स्क्वायर ओवर लैम्डा वन स्क्वायर, अल्फा टू स्क्वायर ओवर लैम्डा टू स्क्वायर. अच्छा, नाउ अल्फा वॉज इक्वल टू ए टाइम्स ई. ठीक है, इसको अच्छा मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, एन फ्रॉम वन टू एन अल्फा एन स्क्वायर स्मॉल एन है, अल्फा एन स्क्वायर ओवर लैम्डा एन स्क्वायर. ठीक है, और अल्फा एन जो है इसकी जगह आई हैव ए ई, ए इनवर्स ई, नो सॉरी ये इसकी इनवर्स तो नहीं था, ये किसके इक्वल था, क्या लिखा था, बी ट्रांसपोज ई था. हाँ बी ट्रांसपोज ई था ना. ठीक है, सो so this is actually equal to, so it means ki this is equal to v transpose e square over lambda n square. theek hai, acha ab v transpose ka jo hai ye iska matlab kya aa jayega, v transpose e times inner product with e transpose e, aur niche lambda n square hai aur summation yahan pe chal rahi hai. theek hai, okay. So now this will be equal to summation. अब मैं जब इसको दोबारा से वो करती हूँ, this will be equal to e transpose v transpose into v, जो है वो multiply हो रहे होंगे because मतलब आप basically वही वाला अगर हम formula लगाते हैं ना, x और y का inner product is x transpose y. ठीक है, तो ये e transpose जाएगा v, और v transpose जो है वो हमारे पास आ जाएंगे इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी, और वी आ जाएगा और फिर आपके पास ई आ जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा एन स्क्वायर. ठीक है, अब इस केस में जो है, और हमारे पास जो है वो समेशन आ रही होगी हमारे पास. अब आप देखें, जब आप वी का जो है वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, वी के साथ इनर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, या वी और वी ट्रांसपोज कंप्यूट कर रहे हैं, आप ये देखें कि वी जो है ना, दिस इज अ मैट्रिक्स नॉट अ वेक्टर. तो जब आप वी को वी वन वी टू एंड सो फोर्थ ये ले रहे हैं,
और इसका आप जो है वो ट्रांसपोज के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें एक ग्रामियन टाइप का मैट्रिक्स मिल रहा होगा। और अगर ये वेक्टर्स जो है वो, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगनल वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ऑफ डायगनल जो है, यानी इन अदर वर्ड्स, और ऑर्थोगनल अगर फर्ज करने के नहीं भी हैं, तो वट वी आर एक्चुअली सीइंग इज कि अगर हमारे पास ये वाला जो है प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है, वी का वी के साथ जो इनर प्रोडक्ट है, या v का v के साथ इनर प्रोडक्ट के बजाय लेट मी जस्ट राइट v ट्रांसपोज v जो है, दिस विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, v1 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 v2, एंड सो फोर्थ, हमारे पास जो है वो सारे के सारे वो आ जाएंगे। और उसके बाद जो है ये वाले तो खैर एलिमेंट जीरो हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट वैक्टर कि ये ऑर्थोगोनल आ जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट विल बी हैपनिंग इज कि अब आपके पास क्या आ रहा होगा, ये जो समेशन आ रही होगी उसमें हमारे पास एक तो ये आ रहा है ई वाला वैक्टर जो है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वी, जो वेक्टर वी है उसका भी टू प्रोडक्ट टू नॉर्म आ रहा है, ठीक है, और एल टू नॉर्म आ रहा है, एंड देन नीचे जो है वो लैम्डा एन का स्क्वायर आ रहा है, ये वन वन के बजाय मुझे एन एन करना चाहिए, एन फ्रॉम वन टू एन जा रहा है। अब इस केस में देखें कि आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही होगी, व्हेन वी ऑफ एन इज वन फॉर एन इक्वल टू जीरो एंड जीरो अदरवाइज, यानी ये वाला जो ये जो पूरा नॉट ओनली वी ऑफ एन, दिस थिंग जो है दिस इज एक्चुअली मैं क्या करना चाहती हूँ, देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको वन करेंगे ना तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन के एरर जो है वो तो हमारे पास हम मैक्सिमम बाउंड लगाना चाह रहे हैं ना, तो एरर जो है वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास ऐसा है जबकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है, और ये जो है वो मिनिमम वैल्यू है, तो जब इसको और हमें ये भी पता है कि वीज जो हैं हमारे पास अगर ऑर्थोगनल ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो वन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो एट द मोस्ट ये वन हो सकता है, और वन हो उस केस में जब लेमडा वन फॉर एन इक्वल टू जीरो नहीं बल्कि एन इक्वल टू एन होना चाहिए, सॉरी मैं गलत कह रही हूँ, ठीक है, जब आपके पास जो लास्ट वाला लेमडा है उसके लिए अगर ये हम वन करेंगे तो इसका मतलब है कि ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि मेरे पास जो है अगर मैं ये सिचुएशन ले लेती हूँ कि v ऑफ n इक्वल टू वन वन n इक्वल टू वन n n जीरो अदरवाइज, तो इस कंडीशन में मेरे पास दिस इज गिविंग मी द अपर बाउंड, ठीक है, एंड दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस थिंग कि दिस थिंग विल कम आउट टू बी इक्वल टू कहाँ चला गया, चलिए इधर है, ओके, सो दैट्स व्हाई वी एक्चुअली रोड के दिस थिंग विल कम आउट टू बी इक्वल टू लेस देन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, मैक्सिमम आएगा वैल्यू, इसको जो है दोबारा से जाके खुद सोचिएगा भी, देखने की भी कोशिश कीजिएगा, बट बिकॉज ऑफ द रीजन के इसमें जो है वो वीज इन्वॉल्व हैं एंड देन दोज वीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट अबाउट द आइगन वैक्टर्स, तो जब हम ये कह रहे हैं कि जो आइगन वैक्टर्स इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका नॉर्म जब मैक्सिमम है विच कैन गो टिल वन, तो जब वो मैक्सिमम वन नॉर्म देगा तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा जो समेशन है वो वन के इक्वल आ जाएगा, बाकी वाले जो हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रीजन के जो v1 v2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इनर प्रोडक्ट हो रहा है वो जीरो है, v1 v2 3 के साथ जो है वो जीरो, एंड सो फोर्थ। सिमिलरली जब हमारे पास अपर बाउंड यहां से आ रहा है, अगला वाला जो है वो मैं करूंगी नहीं, लेकिन वी एक्चुअली जस्ट अस्यूम फ्रॉम हियर कि जो मिनिमम है या लोअर बाउंड होगा दैट वुड बी बाउंडेड बाय द हाईएस्ट आइगन वैल्यू, तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज कि जो मेरा मिनिमम एरर है वो डिपेंड कर रहा है हाईएस्ट आइगन वैल्यू के ऊपर, जो मैक्सिमम एरर है वो डिपेंड कर रहा है लोएस्ट आइगन वैल्यू के ऊपर, या माय एरर इज एक्चुअली बाउंडेड बाय दीज टू एक्सट्रीम्स, तो हमारे पास इसका मतलब है कि हम एरर मिनिमाइज अगर करना चाहते हैं तो इसका मतलब है वी नीड टू लुक इनटू ऑन द हाईएस्ट आइगन वैल्यू, जितनी ज्यादा आपके पास पहला आइगन वैल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो लोअर बाउंड उतना ही कम होगा, बट लोअर बाउंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज एक्चुअली द अपर बाउंड, कि हम जो है ये नहीं चाहते कि हमारा जो आइगन वैल्यू जो लीस्ट आइगन वैल्यू वो इतनी छोटी हो जाए कि आपका जो है ये एक्सप्लोड कर जाए और बहुत ज़्यादा आइगन वैल्यू वो एरर हमारे पास आ रहा हो।
और एक और जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी तो है, लेकिन आई वुड नॉट एक्चुअली बी एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ वगैरह की हमें नहीं पता, बट जस्ट जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस, अगर आप मीन एरर की बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ एवरेज एरर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में वट वी एक्चुअली सी इज के हमारे पास जो है, इसको छोड़ दें एक्सपेक्टेशन जो है वो हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वट दिस फैक्टर जो है इसका, अगेन इसका हम प्रूव नहीं कर रहे, बट दिस फैक्टर वट दिस इज टेलिंग अस इज के दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द एवरेज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए माइनस टू, ए रेज टू द पावर माइनस टू. इन अदर वर्ड्स वट इट इज टेलिंग, अब इस केस में भी लेकिन देखें जब हम एवरेज ले रहे हैं, इसका मतलब है कि दिस इज वन ओवर लैम्डा वन स्क्वायर प्लस वन ओवर लैम्डा टू स्क्वायर प्लस वन सो एंड सो फोर्थ वन ओवर लैम्डा एन स्क्वायर. इस केस में भी सम हाउ दिस फैक्टर विल डोमिनेट, या दिस फैक्टर या जो भी आपके लोअर आइगन वैल्यूज है ना, दे विल डोमिनेट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो है वो इसको बहुत बड़ा कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपके पास जो ये वाला, अगर इसका इसका या इन अदर वर्ड्स व्हाट इट इज टेलिंग अस इज कि अगर आपके पास डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना मिनिमम और मैक्सिमम आइगन वैल्यूज का, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी पहली आइगन वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका ये फैक्टर बहुत छोटा हो जाएगा, और जो सबसे लास्ट आइगन वैल्यू है वो बहुत छोटी थी तो ये फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा. तो इन अदर वर्ड्स, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है आइगन वैल्यूज का तो मीन एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं भी है लेकिन जो लास्ट आइगन वैल्यू है दिस इज वेरी क्लोज टू जीरो, देन इन दैट केस अगेन मीन एरर भी एक्सप्लोर कर जाएगा सिमिलर टू द मैक्सिमम एरर. सो वी एक्चुअली ऑलवेज want to either control the mean, the last minimum eigenvalue, or we want to ignore that value somehow in whenever we are solving. Okay, we will stop here. अच्छा जी, अब मुझे दो चीज़ें जो हैं, कुछ लोगों ने देर से ज्वाइन किया था, एक तो ये कि आप लोगों का जो कुछ भी हम इस वीक में पढ़ रहे हैं उसका मिड नॉट मिड सॉरी क्विज होगा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूजडे को फ्रॉम 5 to 5:30 उसके बाद क्लास के बाद. और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जो है फरहान ने शुरू में कहा है कि आप लोगों से असाइनमेंट नहीं हो पाई है, टाइम कम था, तो मैं वीकेंड आपको दे तो दूंगी असाइनमेंट के लिए, लेकिन ये कि आई विल अपलोड द नेक्स्ट असाइनमेंट आल्सो. तो फिर ये कि आप में से जो लोग जल्दी जितना वो कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे तो यू विल बी एबल टू डू द नेक्स्ट असाइनमेंट क्विकली, क्योंकि टाइम नहीं है, समहाउ जो है वो ख़त्म हो रहा है. आई वॉन्ट कि कम अज़ कम 4 असाइनमेंट्स तो हों. और दूसरी चीज़ ये कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कम अज़ कम वीकेंड पे आप लोगों का जो है वो मिड टर्म तो चेक कर लूँ. एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत मेरी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है, अदरवाइज कुछ हो जाता, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह हो जाएगा. ओके, सो दीज वर द अनाउंसमेंट्स. और ओके, लेट मी स्टॉप नाउ. मुझे लगता है मैंने आप लोगों के कुछ टेक्स्चर्स भी अपलोड